नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। रामचरित मानस पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें आपको कि बीजेपी के युवा मोर्चा के एक दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य मुरादाबाद के भी नारे लगाते हुए शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका है। भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री करण सिंह ने कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जबान काट कर लाएगा उसको 5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय माघ पूर्णिमा का मेला चल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य को चाहिए कि संगम तट पर जाकर गंगा में डुबकी लगाएं और अपने पापों का प्रायश्चित करें। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी को ऐसे मानसिक विक्षिप्त नेता को तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। यह स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी का नेता है, इसका हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। इसने श्री रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। जब से विधानसभा चुनाव हारा है और इसका मंत्री पद गया है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसके घर वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका पहले इसका इलाज कराएं। इसने भगवान श्री राम और रामचरितमानस के बारे में झूठा और षड्यंत्रकारी जो अपनी राजनीतिक लाभ के लिए इसने जो अनर्गल प्रयास किया, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसी श्रीरामचरितमानस में किसी भी जात के बारे में, मजहब के बारे में कोई भी गलत बात नहीं लिखी हुई है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला युवा मोर्चा के नेतृत्व में फूका गया, और इसलिए फूका गया क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रभु श्री राम के लिए अमर्यादित टिप्पणी की, जो कि बिल्कुल भी हम लोग उनको न शोभा देती है और न ही हिंदू धर्म के लिए। उन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया है, और मैं पूरे होशो हवास में मैं ये ऐलान करता हूं कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की जीवा को काट के लाएगा, मैं उसको व्यक्तिगत आय से 5 लाख रुपए का इनाम देने का दावा करता हूं। जो भी उनकी जीवा को काट के लाएगा, प्रभु श्री राम के खिलाफ जिसने भी अमर्यादित टिप्पणी की है, गोस्वामी तुलसीदास के खिलाफ जिसने अमर्यादित टिप्पणी की है, रामचरितमानस जो कि एक पावन और पवित्र धर्म है, स्वामी प्रसाद मौर्य की यह हैसियत नहीं है कि ऐसे पावन और पवित्र ग्रंथ के ऊपर वो टिप्पणी करें। मैं समाजवादी पार्टी से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे पापियों को जल्द से जल्द अपनी पार्टी से निकालने का कार्य करें। बुलंदशहर में गणतंत्र दिवस को लेकर जनपद बुलंदशहर में कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में भय मुक्त वातावरण करने के उद्देश्य से डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी शलोक कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ सिकंदराबाद कस्बे के बाजारों और मोहल्लों में पैदल रूट मार्च किया। और वहीं इस अवसर पर ही बाजारों में दुकानदारों से कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत प्रस्थान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। और डीएम ने रूट मार्च के दौरान ही स्थानीय लोगों से भी संवाद करते हुए भयमुक्त वातावरण बनाए रखने की बात कही है, और साथ ही मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। और इस अवसर पर ही डीएम ने कहा है कि आपसी भाईचारे साथ पर्व को मनाएं और आपसी सौहार्द का माहौल बिगाड़ने वालों के लोगों के तत्काल ही पुलिस प्रशासन को सूचना दें, और जिससे ऐसे लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा सके। 2 दिन बाद 26 जनवरी है, और प्रतिदिन किसी न किसी कस्बे में एसएसपी साहब के द्वारा पूरी पुलिस बल के द्वारा भ्रमण किया जाता है। आज मैं भी यहाँ सिकंदराबाद में भ्रमण करने आया हूँ, और भाईचारा बना रहे, सब में कानून का शासन रहे, सब लोग भाईचारे से रहें, यही मुझे कहना है। और सभी राष्ट्रीय पर्व को अच्छे से हंसी खुशी से मनाएँ और अपने व्यापार में संलग्न रहें, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। और अगर कोई उनको लगता है कोई ऐसी स्थिति है, कोई अफवाह उड़ा रहा है, तो हमको या ऐसे के साथ उसकी जानकारी दें, कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस के अवसर पर बस्ती के ही अटल बिहारी प्रेक्षागृह में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें बस्ती में ही इन्वेस्ट करने वाले सभी कंपनियों के MD मौजूद रहे। आपको बता दें कि बस्ती मंडल के तीनों जनपदों बस्ती, सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर में ही अब तक 4,400 करोड़ के MOU साइन हुए हैं, और बस्ती के बात की जाए तो फिर यहाँ पर अभी तक 1,850 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। बस्ती जिले के ही 6,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। का रजिस्टर्ड हुआ जिसमें 285 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ और लगभग 700 लोगों को रोजगार मिला। ये सब डेयरी से संबंधित काम करेंगे। तो इसमें कितने MOU अभी तक साइन हो चुके होंगे? 11 लोगों ने अपना MOU साइन। सर इसके बाद भी हुआ, अभी हम लिस्टिंग नहीं कर पाए सर, इसके बाद 50 करोड़ का इसके अतिरिक्त है सर मेरे पास। क्या नाम है आपका? हमारा प्रमुख कुमार श्रीवास्तव। ही उत्साहवर्धक परिणाम अभी तक आए हैं। इस मंडल को 1,350 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था तीनों जनपदों को, और ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों के पास 4,300 करोड़ के अब तक MOU वो हो चुके हैं। अगर हम जनपद बस्ती की बात करें जहाँ के आयोजन में हम लोग खड़े हुए हैं इस समय, तो यहाँ पर भी 1,800 करोड़ से ज्यादा के MOU आ चुके हैं। तमाम लोगों ने भी मंच पर साझा किया है, और देश की और प्रदेश की प्रगति के लिए उद्योगों का होना बहुत जरूरी है। राजकीय विभागों से किसी भी प्रकार की असुविधा या दिक्कत न हो पाए, इसके लिए भी हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। हर माह के प्रथम सोमवार हरदोई जिले के ही प्रेक्षागृह में यूपी दिवस क्रम में पहुंची उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी से पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने मौलवी और फादर को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। और इस पर मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि हम एक चीज आपसे कहेंगे, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये चमत्कार हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पूजा करते हैं, आपकी जो पुकार होती है हम ईश्वर से कहते हैं और वो चीज हो जाती है तो ठीक है। हम लोग बहुत शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। आज भी अपने जनपद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और धन्यवाद दूंगी कि बहुत अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमारी प्रदेश सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री जी की ये मंशा है कि हम लोग अच्छे तरीके से अपने विकसित करें अपने देश को और अपने प्रदेश को। और जब हम देश को विकसित करते हैं तो हमारे प्रदेश की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, हमारे यहाँ रोजगार की दिक्कत ना हो। तो उसी क्रम में जो $5 trillion इकोनॉमी बनाने की प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसी के अनुरूप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। और अभी फरवरी में 10-12 फरवरी को इन्वेस्टर समिट प्रदेश में है। हमारे प्रदेश हमारे जिले में भी इसको लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 500 करोड़ का निवेश हमारे यहाँ भी हुआ हम लोग। और हरदोई से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ से हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, बयान सामने आया हरदोई जिले के प्रेक्षागृह में कि यूपी दिवस क्रम में ही उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी से पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया, उन्होंने इसका जवाब भी दिया है। किस चीज़ को लेकर ये बातें कही गई हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। जी, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया था, जो कि हरदोई के राजस्थान प्रेक्षा गृह में आयोजित किया गया था। वही मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने। पत्रकारों के सवाल में रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि कोई भी स्वास्थ्य मानसिकता वाला इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता है। वहीं उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है। वहीं उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के बयान को घुमाकर जवाब देते हुए उनकी पूजा पाठ की पद्धति का समर्थन किया है। जी जी मोहम्मद आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
सहारनपुर के देवबंद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें थाना नागल का 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है और इस दौरान ही बदमाश के दाएं पैर में गोली लग गई है। वहीं मौके पर एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि देवबंद पुलिस चेकिंग कर रही थी और बदमाश सक्षम त्यागी बाइक से ही अपने साथी के साथ आ रहा था और तभी बदमाश ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी और भागने लगा, जिसके बाद से ही पुलिस की गोली बदमाश के दाएं पैर में लग गई और जिससे वो घायल होकर नीचे गिर गया, जबकि बदमाश का दूसरा साथी फरार होने में कामयाब बताया जा रहा है और बदमाश के पास से एक देसी तमंचा भी बरामद हुआ है। और मुठभेड़ की सूचना के बाद SSP डॉक्टर विपिन डाडा भी जिला अस्पताल पहुंचे। आज थाना देवबंद की पुलिस चेकिंग कर रही थी, इस दौरान ये अपराधी था जिसने कि पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस ने पार्टी ने पीछा किया और दोनों पक्षों में फायरिंग हुई जिसमें कि अपराधी को गोली लगी है। इनका एक साथी भी था जो मौके से भागने में सफल रहा। इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है जो कि देशी निर्मित पिस्टल है और एक मोटरसाइकिल है। पिस्टल और मोटरसाइकिल की जाँच की जा रही है, इनके पास से कहाँ से आई है, जो इनका साथी फरार है उसके बारे में भी जानकारी कुछ प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर पुलिस पार्टी चेकिंग कर रही है नाकाबंदी करके और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल ये जो अपराधी पकड़ा गया है इसका नाम सक्षम त्यागी है और ये कई मुकदमों में वांछित चल रहा था। थाना नागल का स्ट्रीटर अपराधी था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। इसने क्षेत्र में कई फायरिंग की घटनाएँ की हैं और काफ़ी समय से इसने अपना आतंक अपने साथियों के साथ क्षेत्र में फैला रखा था और यदा कदा ये घटनाएँ करता था। इस पर पुलिस को इसकी तलाश थी और 25,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया था सूचनाकर्ता को। ये सभी कार्यवाही के पश्चात पुलिस ने अब आगे मुकदमा दर्ज कर आगे कार्यवाही की जाएगी। गोरखपुर एयरपोर्ट स्टेशन के ही नो योर फोर्स कार्यक्रम के तहत एयरपोर्ट स्टेशन पर वायुसेना के पराक्रम को जताने वाला कार्यक्रम लो एयर फोर्स दिखाया और जिसमें एयरफोर्स की तूफानी ताकत का एहसास इस कार्यक्रम में कराया गया है, जिसमें वायुसेना का जाबाज ऑफिस रोने इंडियन एयरफोर्स का जौहर दिखाते नजर आए हैं। और आपको बता दें कि गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन पर मंगलवार को नो एयरफोर्स नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया था और इस दौरान ही तीन जगुआर और विमानों ने जहां अपनी उड़ान और लैंडिंग से लोगों को प्रभावित किया तो वहीं किरण लड़ाकू विमान ने लोगों को अपनी ओर भी आकर्षित किया है। क्या नाम है आपका? वैष्णवी। वैष्णवी जी, एयरफोर्स एक ऐसी सेना है जो हमारे देश की सुरक्षा करती है, आज के एजुकेशन पे आके कैसा लग रहा है और कब से आ रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा फर्स्ट टाइम है तो आई एम वेरी एक्साइटेड, वी आर जस्ट वेटिंग और काफ़ी मज़ा आ रहा है। क्या कुछ देखा आपने और क्या चीज़ें थी जो आप इससे पहले आपने कभी नहीं देखी? तो अभी मैंने सूर्य किरण को फ्लाई करते हुए देखा था एंड इट वाज अमेजिंग, तो मुझे वो देख के भी बहुत मज़ा आया। और क्या कुछ जानने को मिला यहाँ पे एयरफोर्स के बारे में? अपने फोर्सेस के बारे में जानने के लिए मिला, इनके सारे यूनिट्स हैं, उनके सारे स्टॉल्स देखे, काफ़ी अच्छे हैं। आपका एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर में स्वागत है एंड एज पार्ट ऑफ नो योर फोर्सेस हमने अफवा का भी एक स्टॉल लगाया है। अफवा यानी कि एयरफोर्स फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें हम स्टेशन में जितनी हमारी फैमिलीज हैं, हमारी संगिनीज हैं, बच्चे, इन सब का वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके लिए हम बहुत सारे वेंचर्स चलाते हैं, जैसे कि हमारे पास दोनों हमारे रेजिडेंशियल पॉकेट्स में शॉप्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम NTT क्लासेस चला रहे हैं, डांस क्लासेस हैं, देन हमारे ट्यूशन क्लासेस चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टाइकोंडो, वी हैव मैनी अदर हॉबी क्लासेस। फिर अफवा प्ले स्कूल भी चलाता है अपने स्टेशन के बच्चों के लिए और एक स्पेशल स्कूल चलाता है जिसका नाम है उम्मीद, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए आता है। उसमें बच्चे स्टेशन के बाहर से और हमारे जो डोमेस्टिक हेल्प के बच्चे हैं वो भी होते हैं।
अब खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी को दलित पति पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट हुई थी और मारपीट से पति की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत भी हो गई थी। वहीं पुलिस को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी FIR दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद पुलिस की सुस्त कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने शव रख कर रोड जाम कर दिया और परिजनों ने पुलिस के ऊपर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। खबर फतेहपुर से है, आपको बता दें यूपी के फतेहपुर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और दरअसल बढ़ते क्राइम को देखते हुए ये वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं पुलिस ने चोरी की बाइक भी गिरफ्तार कर ली है। जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मोहर रोड पर ही पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी एक युवक पुलिस को देख कर बाइक सड़क किनारे खड़ा कर रुक गया और जिस पर पुलिस को शक हुआ तो युवक को पकड़ कर पूछताछ की गई और इस दौरान ही चार देशी बम और एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। सहारनपुर जनपद में गंगोह के गांव खानू पर गुज्जर में ही 2 जनवरी को लापता 4 वर्षीय बच्चे लक्ष्य का शव गांव में ही एक ईख के खेत से बरामद हुआ है। बच्चे का शव मिलने की सूचना पर वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई और सूचना मिलने पर ही SSP डॉक्टर बिपिन टाडा भी फॉरेंसिक टीम के साथ और कई थानों की फोर्स सहित मौके पर पहुंचे। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। उधर बच्चे की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया है। गांव खानपुर गुज्जर निवासी राजकुमार का 4 साल के बेटे लक्ष्य 2 जनवरी की शाम अपने घर के बाहर से खेलते हुए ही अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने काफी तलाश करने के बाद कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी और इसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गांव के तालाब में बच्चे की तलाश करने के साथ ही तलाशी अभियान तक चलाया था, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं लग सका था। परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही थी और मंगलवार सुबह 11 बजे गांव निवासी रियात अपने ईख के खेत में ही घुसे और आवारा पशुओं को भगा रहा था, तभी उसकी नजर बच्चे के शव पर पड़ी। उसने इसकी सूचना अन्य ग्रामीणों और पुलिस को दी। SSP ने बताया है कि शव कुछ दिन पुराना लग रहा है और मौत के कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। थाना गंगोह में ये बच्चे का शव मिला है और ये बच्चा जो है करीब 20 दिन पहले 2 तारीख को ये बच्चा गायब हुआ था, जिसके पश्चात पूरे गांव में तलाशी अभियान चला था 3 दिन तक लगातार पुलिस का, और जो गांव का तालाब है उसको भी खाली करवा कर देखा गया था पूरा, परंतु आज ये शव मिला है। इसमें फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम हमने बुलाई है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौके पे आए हैं और मुकदमा दर्ज कर परिजनों की जो भी तहरीर होगी, फिलहाल बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इसमें पुलिस तत्परता से लगकर इसका शीघ्र अनावरण करने का प्रयास करेगी। क्या लग रहा है सर? इसमें बच्चे का शव जो है ये गांव के बाहर एक गन्ने के खेत में मिला है। घर में काम करते समय गरम चाशनी गिरने से महिला झुलस गई है। बताया जा रहा है कि महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला आपको बता दें उच्चाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रामसाड़ा गांव का है, जहां एक महिला प्रीति उम्र जिसकी 24 साल है अपने घर में गैस सिलेंडर के ऊपर कढ़ाई में ही चाशनी गर्म कर रही थी। कढ़ाई उठाते समय महिला के चेहरे पर चाशनी गिर गई और चाशनी गिरने से महिला का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। आनन फानन में उसे लेकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर भी कर दिया गया है। बिजनौर के SP दिनेश सिंह ने ही पुलिस लाइंस के परेड ग्राउंड में आगामी गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड की सलामी ली गई है और परेड का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में ही परेड को और अधिक भव्य और आकर्षक बनाने के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और इस दौरान ही SPCT डॉक्टर परवीन रंजन सिंह और SP ग्रामीण राम अर्ज मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ में स्कूटी पर अश्लीलता फैलाने कपल का वीडियो वायरल होने के बाद अब तेज रफ्तार कार में कपल के इश्क फरमाने का भी वीडियो वायरल हो रहा है। कपल तेज कार की छत खोलकर एक दूसरे से इश्क फरमा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो लखनऊ के लोहिया पथ का है और वीडियो में कपल को कार की छत खोलकर आपत्तिजनक हरकतें करते हुए देखा जा सकता है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।